हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब भी अच्छे होंगे। और चलिए अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास यानी कि पिछला वीडियो, कल वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन का मेथड पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन का हम लोग चार मेथड पढ़े थे। क्या क्या था चारों मेथड को पहले एक बार हम आप लोगों को याद दिला देते हैं। फर्स्ट में था सेपरेशन, सेकेंड में था प्रोडक्ट, थर्ड में था डिवीजन और फोर में था बाय चेन रूल। और हम लोग कल तीन मेथड कल हम लोग एग्जांपल के साथ देखे थे, एक सेपरेशन, फिर प्रोडक्ट और डिवीजन, ये तीनों को एग्जांपल के साथ देखे थे। आज अब हम लोग को देखना है बाय चेन रूल, यानी कि डिफरेंशिएशन का जो चार मेथड होता है उसमें से जो चेन रूल है आज उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। देखिए चेन रूल आखिर होता क्या है। सबसे पहले आप लोग को समझना है कि चेन रूल क्या होता है। चेन मतलब जानते हैं आप लोग, कड़ी जो इस तरह करके बंधा हुआ रहता है ना, कड़ी वही चेन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक आया कड़ी, फिर यहाँ से इस तरह करके गया, फिर इस तरह। चेन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से जुड़ना। जैसे ये इससे जुड़ा हुआ, फिर ये इससे इस तरह करके चैन में होता जुड़ना, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले चैन का मीनिंग समझ गए कि कड़ी होता है। जिस तरह कड़ी जुड़ा हुआ रहता वैसे ये भी जुड़ा हुआ रहना, इसी को हम लोग बोलते हैं चैन रूल। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग चैन रूल जानते हैं आखिर होता क्या है, कहाँ पे इसका यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में चैन रूल का ही यूज करेंगे, वो सब सारा चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पिछला वाला भी जो कल बताए थे उसको एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। 5 मिनट लगेगा, सबको एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखिए फर्स्ट नंबर में सेपरेशन था, सेकेंड में था प्रोडक्ट, और थर्ड में था डिवीजन। और फोर्थ नंबर में था चेन रूल। ये चार मेथड था डिफरेंशिएशन फाइंड करने का। ये चार मेथड था, सेपरेशन, प्रोडक्ट, डिवीजन, चेन रूल। कितनो बड़ा फंक्शन, कितनो बड़ा डिफरेंशिएशन हो, बस यही चार ही मेथड है। इसके अलावा कोई पांचवा मेथड नहीं होता। कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो यही चार ही मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर कहाँ पे किसका यूज करेंगे। तो कल जैसे हम आप लोग को बताए थे कि सेपरेशन में यदि फंक्शन के साथ आप लोगों को प्लस या फिर माइनस दिख जाए तो वहाँ पे हम लोग सेपरेशन का यूज करेंगे। फंक्शन क्या होता है? तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब क्या फंक्शन है, ठीक। यानी कि कहीं भी हम लोग को फंक्शन दिखे प्लस माइनस के साथ तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लगा देंगे, तो सेपरेशन का यूज करेंगे। क्योंकि सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। अब प्लस माइनस मीन्स क्या हुआ, कितना बड़ा टर्म दे प्लस माइनस के साथ है, कोई फंक्शन है प्लस माइनस के साथ, यानी कि हम लोग को एक एक करके देखना है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सेपरेशन का। मान लीजिए वाई इक्वल टू ले लीजिए साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस फाइव। अब देखिए ये एक फंक्शन दिया हुआ, वाई इक्वल टू कोई एक फंक्शन लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या साइन एक्स है, फिर प्लस दिया हुआ, फिर क्या टेन एक्स है, फिर प्लस, फिर फाइव है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब प्लस के साथ है। तो प्लस के साथ है तो हम लोग सेपरेशन का यूज करेंगे। और मान लीजिए यही यदि हम लोग को एक फंक्शन रहता वाई इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स,
जिसे कल भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे प्लस प्लस, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, प्लस है माइनस है, तो ये सेपरेशन रूल है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, साइन के बाद है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, साइन साइन एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, यानी कि ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और यही यदि फंक्शन हम लोग के पास रहता है वाई इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय, मान लीजिए ई टू द पावर एक्स है, तो यहाँ पे ये देखिए डिवाइड है, तो ये डिवाइड वाला को हम लोग किस में लिखेंगे, डिवीजन में। अब तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि यदि प्लस माइनस हो रहेगा, फंक्शन एक दूसरे के साथ प्लस या फिर माइनस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो सेपरेशन लगा देंगे। यदि दोनों एक दूसरे फंक्शन यदि एक के साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ पे u इंटू भी जो हम लोग टर्म कल सीखे थे, u इंटू भी वाला वो क्या था, फर्स्ट वाला जो u होता है, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, प्लस v बाहर और u का डिफरेंशिएशन लिखते थे ना, u बाहर इंटू डी वी बाई डी एक्स, प्लस फिर होता था v बाहर और du बाई डी एक्स, ये इसमें लगता था प्रोडक्ट में। और देखिए डिवीजन यानी कि ये वाला u बाय भी वाला, u बाय भी में हम लोग क्या करते थे, भी बाहर u का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे माइनस लगाते थे और भी बाहर करते थे, सॉरी u बाहर और भी का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय भी का स्क्वायर। तो आप लोगों को यहाँ तक कल वाला जो था उसी को हम बताएं, जैसे कि अब हम लोग को सेपरेशन समझ में आ गया, प्लस माइनस यदि मल्टीप्लाई रहे तो प्रोडक्ट, और यदि डिवाइड में रहे तो हो जाएगा तो आप लोगों का डिवीजन। अब हम लोग जानेंगे आखिर चेन रूल कहाँ पे लगेगा, किस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग चेन रूल लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कि इसमें हम लोग चेन रूल ही लगाए, वो सब देखिए। यदि हम लोग कोई फंक्शन देखते हैं, यदि वो प्लस माइनस के साथ नहीं हो, या फिर वो मल्टीप्लाई में नहीं हो, या फिर वे डिवाइड में नहीं हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चेन रूल हो जाएगा। उस टाइप का फंक्शन जिसमें प्लस माइनस नहीं हो, मल्टीप्लाई नहीं हो, मतलब वो फंक्शन प्लस माइनस के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो, मल्टीप्लाई के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो, और एक डिवाइड में भी नहीं हो, तो हम लोग उस वक्त जान जाएंगे ये जब तीनों हम लोग का मेथड नहीं लगा, यानी कि चेन रूल लगेगा। एक और फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट 8-9 जो फॉर्मूला होता है, यदि वो भी डायरेक्ट नहीं लगे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ले लिए हैं y इक्वल टू साइन एक्स, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन में कॉस एक्स, टेन एक्स तो टेन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स। यदि ये सब में भी जो 8-9 है उसमें भी यदि ये नहीं मैच करे फंक्शन हमारा, ना ही ये फॉर्मूला से डायरेक्ट मैच करेगा, ना ही सेपरेशन से, ना ही प्रोडक्ट से, ना ही डिवीजन से, तब हम लोग जान जाएंगे कि ये जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, चेन रूल का है। तो अब देखिए आखिर चेन रूल होता क्या है, कैसे हम लोग और इसको डिटेल में समझते हैं चेन रूल को। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं चेन रूल। जैसे कि फंक्शन हम लोग एक ले लेते हैं y इक्वल टू साइन इंटू ने साइन लॉग x, तो क्या यहाँ पे आप लोगों को प्लस माइनस कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो सेपरेशन नहीं होगा। क्या आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो बहुत स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ यहाँ तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि ये साइन और लॉग को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या अर्थ होगा, ये साइन तो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। जब तक नहीं हम लोग मैथ का एक्स वाई या फिर थीटा लेंगे, तब तक तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा इसका वैल्यू, इसलिए ये साइन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको मल्टीप्लाई में हम लोग तब बोलते हैं जब ये साइन एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स होता, जब इस तरह रहता यहाँ भी एक्स लगा हुआ रहता और यहाँ पे भी एक्स रहता, तब हम लोग जानते हैं कि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पे साइन के साथ एक्स तो नहीं लगा हुआ है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, साइन और लॉग एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है। तो देखिए ना ही ये सेपरेशन में भी नहीं मैच किया, क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई भी तो समझ में आ गया कि नहीं है, डिवीजन तो एकदम से नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है ही नहीं, तो इसको हम लोग डिवीजन लेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो गया, चेन रूल होगा। एक और
जो हम अभी फॉर्मूला बताए थे, क्या जो 8-9 फॉर्मूला, तो उसमें डायरेक्ट वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला अभी तक आप लोग देखे हैं कि वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स का कोई फॉर्मूला आता नहीं ना। वाई इक्वल टू साइन एक्स यदि हो तब इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन क्या लिए, वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, ना ही सेपरेशन, ना ही प्रोडक्ट, ना ही डिविजन, तब ये हमारा होगा चेन रूल। देखिए अब तो यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा चेन रूल, और थोड़ा सा किताबी भाषा से समझते हैं। ये हम अपने मन से एग्जाम्पल दिए हैं, और अपने मन से नहीं, ये पूरा जो चेन रूल है बस यही है चेन रूल। अब यहाँ पे यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो यानी कि पूरा आ गया। और चेन रूल का मतलब ही होता है कंपोजिट, कंपोजिट। चेन रूल का मतलब क्या होता है, तो कंपोजिट होता है। अब देखिए आप लोग जानते होंगे अरे यार ये कंपोजिट अब क्या आ गया, आप लोगों को घबराना नहीं है, कंपोजिट कुछ नहीं। तो कंपोजिट का मतलब होता है मिला हुआ, मिला हुआ। आप लोग को बस यही समझना है कि कंपोजिट का मतलब होता है क्या, तो मिला हुआ। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे y इक्वल टू साइन लॉग x, तो ये साइन के साथ क्या मिला हुआ है, लॉग x मिला हुआ है, तो ये हमारा हो गया कंपोजिट। जैसे कि और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये दिया हुआ, यदि हम लोग यहाँ ले लें लॉग टेन एक्स, तो देखिए y इक्वल टू यदि लॉग टेन एक्स ले लें तो क्या होता है, हम लोग अभी तक कोई भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन या कहीं भी नहीं देखे हैं कि y इक्वल टू लॉग टेन एक्स का कोई फॉर्मूला हो। y इक्वल टू लॉग एक्स होगा उसका फॉर्मूला जानते हैं, y इक्वल टू लॉग टेन एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते स्टूडेंट। तो ये हो गया कंपोजिट। देखिए ये लॉग के साथ टेन मिला हुआ है ना, तो ये हो गया कंपोजिट। आप लोगों को यहाँ तक अब चेन रूल में थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा, और एक दो एग्जांपल लेकर के आप लोगों के सामने में रखेंगे और बेहतरीन से बेहतर तरीका से आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा से। देखिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये तो समझ में आया होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू है साइन x का क्यूब, क्या आप लोग इस तरह का कहीं देखे हैं फंक्शन कि y इक्वल टू साइन x का क्यूब कोई फॉर्मूला नहीं ना, या फिर ये सेपरेशन में प्लस माइनस है इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं, तो ये प्लस माइनस नहीं है यानी कि ये सेपरेशन भी नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ कहीं भी मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा, तो प्रोडक्ट भी कैंसिल यानी कि प्रोडक्ट भी नहीं होगा, डिवीजन भी नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे चेन रूल पे, यानी कि ये क्या है चेन रूल। तो अब चेन रूल का दो तीन एग्जांपल ले लिया, अब सारा एग्जांपल को अभी हम लोग सॉल्व भी करते हैं कि आखिर चेन रूल कैसे सॉल्व होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे एक छोटा सा भी एग्जांपल लेते हैं वाई इक्वल टू टेन एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको कर। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम डॉट डॉट कर दिए। आप लोगों को कल भी हम बोले थे कि आप लोगों को डॉट डॉट नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा इधर करके लिखते हैं और बड़ा अच्छा आ जाएगा एक ही लाइन में। जैसे कि इसको हम लोग लिखते हैं अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या है टेन एक्स क्यूब है, तो टेन एक्स क्यूब चेन रूल, ये तो पता चल गया फंक्शन को देख करके कि ये चेन रूल का है। और यदि जैसे ही ये चेन रूल हम लोग को पता चल जाए तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे डी लिख के एक ब्रैकेट देंगे और जितना भी बड़ा फंक्शन हो उस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन एक्स क्यूब। अब हम लोग को डिफ्रेंसिएशन में किसका डिफरेंशिएशन पता है, टेन एक्स क्यूब का या फिर टेन एक्स का, तो हम लोग को टेन एक्स का फॉर्मूला पता है, टेन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, टेन एक्स क्यूब का नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे, एक एक करके हटाएंगे, तो ये टेन को हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, और जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब देखिए एक्स क्यूब आ गया, और एक्स क्यूब का मतलब क्या हो गया एक्स टू दी पावर एन, और x टू दी पावर n का फॉर्मूला हम लोग को पता रहता है एन एक्स पर पावर n n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, ये हम लोग को पता है।
तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डी एक्स लगा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ हटेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे टेन एक्स क्यूब का हम लोग को फॉर्मूला पता नहीं था, इसलिए टेन का फॉर्मूला सिर्फ पता है, तो टेन को हटा दिए, बचा क्या एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ पे लिख दिए। और चेन अभी हम बोले थे ना, इस तरह होता है, जो चीज़ यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दिए। ठीक, अब देखिए, अब ये नीचे वाला को हम लोग को देखना ही नहीं है, मान लीजिए नीचे वाला को ढक दिए, नीचे कुछ है ही नहीं, इसको नहीं देखना है। ठीक स्टूडेंट, अब जैसे टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंसिएशन में टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स के जगह जो दिया हुआ वो टर्म लिख देंगे, एक्स के जगह एक्स क्यूब दिया हुआ था तो एक्स क्यूब लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री इधर आ जाएगा पीछे, एक्स थ्री माइनस वन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा एन माइनस वन वाला फॉर्मूला, तो यहाँ क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन कर देंगे तो टू आ जाएगा, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे ये फॉर्मूला को भी हम लिख देते हैं, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए तो देखिए, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला हम बताए थे, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप लोगों को समझ में ये एग्जाम्पल से आया होगा, एक दो और एग्जाम्पल ले करके बताते हैं। देखिए एक दो और आप लोगों के सामने में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी ले लेते हैं हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, यदि y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, अब तो ये हम लोग को पता चले गया चैन रूल का है, इसमें हम लोग चैन रूल लगाएंगे। तो देखिए यदि हम लोग के पास अभी सिर्फ y, फिर से एक बार हम इसको आप लोगों को अच्छा से समझाते हैं, यदि सिर्फ y इक्वल टू साइन एक्स रहता तो हम लोग को पता चल जाता कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम लोग इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाते, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स कर देते। यदि यहाँ पे प्लस टेन एक्स है तो सेपरेशन है, यदि यही फंक्शन में y इक्वल टू साइन एक्स फिर मल्टीप्लाई टेन एक्स दे दिया है तो प्रोडक्ट लगा देते, यदि यही फंक्शन में y इक्वल टू साइन एक्स और डिवाइडेड बाई टेन एक्स रहता तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते, डिवीजन लगा देते, और यदि सिर्फ y इक्वल टू साइन एक्स रहता तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें से एक भी फंक्शन क्या इसमें मैच कर रहा है, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स इस टाइप का कहीं पे आप लोग को दिख रहा है, या फिर y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, y इक्वल टू साइन फिर टेन एक्स रहता है, इस टाइप का आप लोग को कहीं कुछ तो नहीं दिख रहा है, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा चेन रूल में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको चेन रूल का मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लोग को करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी ब्रैकेट, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, जितना भी बड़ा फंक्शन दिया हो वो पूरा फंक्शन को यहाँ पे लिख के फिर एक एक करके हम लोगों को हटाना है। तो देखिए यहाँ पे साइन लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख देंगे साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय, हम लोगों को जिसका फॉर्मूला पता हो उसको हटा देंगे, साइन का फॉर्मूला पता है तो साइन को हटा देंगे, तो हटाने के बाद क्या आ जाएगा लॉग एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे डी लॉग एक्स, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई चैन, फिर से एक बार बताते हैं, देखिए इस तरह होता है, यहाँ पे जो आएगा यानी कि जो नीचे आएगा उसको मल्टीप्लाई के साथ ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डी लॉग एक्स। अब आप लोगों को तो लॉग एक्स का फॉर्मूला पता है तो हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट डिफ्रेंसिएशन साइन का हम लोग को पता है क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस लॉग एक्स है तो लॉग एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाय एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे वन बाय एक्स, इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये निकल गया डी वाई बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक दो और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आगे और बनाते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं भी चैन रूल बनाइएगा तो एक भी जरा सा प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं हम लोग को प्रॉब्लम फेस करने का मौका ही नहीं देंगे, इतना एकदम बेसिक से लेकर के हम लोग को हाई तक चलना है, बेसिक से हाई।
शुरू से लेकर के, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि 11th में पढ़ेंगे तो उनको लगता होगा कि ये सब सारा चीज़ पढ़ रहे तो बकवास है, बकवास नहीं, ये एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा उसको अंत उसका लास्ट तक उसको सही से आप लोगों के पास रख देंगे। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे एक फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू एक फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू साइन e टू दी पावर x। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, साइन e टू दी पावर x, अब तो ये समझ में आ गया सेपरेशन तो होगा नहीं क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, प्रोडक्ट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं है, डिवीजन डिवाइड था ही नहीं एकदम से नहीं होगा, और ना ही 8-9 फॉर्मूला में से ये किसी में मैच कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, चेन रूल में आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब साइन है तो देखिए जैसे ही पता चल जाए ये चेन रूल है तो क्या करेंगे, या फिर डी लिखने के बाद जो फंक्शन दिया हुआ हो वो फंक्शन को पूरा लिख देंगे, साइन ई टू दी पावर एक्स। उसके बाद ये नीचे जिसका फॉर्मूला हम लोगों को पता हो उसको हटाएंगे, और उतना यदि समझ में नहीं आए तो ये जो फर्स्ट वाला है उसको हटा देंगे, यदि साइन को हटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी e टू दी पावर x, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये जो d e टू दी पावर x है नीचे वाला को यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे d e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला पता है cos, तो यहाँ पे हो जाएगा cos e टू दी पावर x, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, तो इसको लिख देंगे e टू दी पावर x इंटू कॉस e टू दी पावर x, ये हो गया dy वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं आज, एक्सरसाइज 10A। देखिए अब 10A में उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन अभी बताएंगे और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी मिलेगा, और आप लोगों को होमवर्क पूरा करना है जो भी होमवर्क मिलेगा, और क्या करना है जैसे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को शो करेगा, वो व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज करना है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्वेश्चन लिख करके मैसेज करना है कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या फिर ग्रुप में कीजिए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों तक सेंड कर देंगे, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे, व्हाट्सएप में मन करे तो व्हाट्सएप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में करना हो तो उसमें भी कीजिएगा, और जैसे कि देखिए कैसे भी हम करेंगे, जैसे हम 1 से 4 तक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 4 से 10 तक, 10 से 15 तक इस तरह करके देखेंगे, 5-10 क्वेश्चन करके उसमें से जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसको हम आप लोगों के सामने सॉल्व करेंगे, और जो आप लोग से बन जाए वो उसके लिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और यदि वो नहीं बनेगा तो फिर उपाय तो बता ही दिए, कमेंट बॉक्स या नहीं तो फिर व्हाट्सएप करना है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, आप लोगों को भी आर एस अग्रवाल बुक होगा ही, और यदि नहीं है तो खरीद लेना, वैसे अभी लॉकडाउन है लेकिन मार्केट खुला हुआ है हल्का फुल्का, तो उसमें बुक वुक आप लोग ले सकते हैं। देखिए 10A आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 10A में टोटल क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है आप लोगों को, अभी इसमें चलिए बताते हैं कुछ क्वेश्चन।
टेन ए का ए ही सबसे पहले ले लेते हैं। वन नंबर देखिए क्या है, एक्सरसाइज टेन ए। टेन ए का वन नंबर ले लेते हैं, क्या दिया हुआ वन नंबर में, साइन फोर एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल टू साइन फोर एक्स। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, साइन फोर एक्स का तो नहीं है, तो अब हम लोग इसमें डायरेक्ट समझ जाएंगे ये कौन सा मेथड है, चेन रूल का। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी। हम बोल रहे थे कि चेन रूल में जो फंक्शन दिया हुआ हो डी लिख करके उस फंक्शन को नोट करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइन का फॉर्मूला पता है, या नहीं तो फिर साइन है कौन सा, फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट में उसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी फोर एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो नीचे रहता है वो मल्टीप्लाई के साथ ऊपर डी फोर एक्स। और हम लोग को फोर एक्स का फॉर्मूला पता है, डिफ्रेंसिएशन फोर एक्स का पता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए हो क्या जाएगा, इधर लिख देते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन फोर एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फोर एक्स मल्टीप्लाई फोर, फोर क्या है ये कॉन्स्टेंट है तो फोर क्या हो जाएगा बाहर, जैसे होता है ना फोर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए फोर का फोर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और वन इंटू फोर करेंगे तो फोर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर कॉस फोर एक्स, ये हो गया आंसर। उसके बाद फिर वन टू थ्री, ये दोनों तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का, क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा अलग है, तो फोर को आप लोगों के सामने में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, यदि नहीं आए तो फिर पूछना आप लोग को, ऐसे समझ में आ ही गया होगा इतना देर से सारा एग्जांपल ले लेके बता रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं चार नंबर क्वेश्चन में। चार नंबर क्वेश्चन में देखिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ फ्रेंड, कॉस एक्स क्यूब। अब देखिए ये y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू डी। लिख करके हम लोगों को ये पता चल गया कि है कौन सा, चेन रूल में, जब चेन रूल पता चल गया हो तो ये जो फंक्शन है उसको पूरा यहाँ पे लिख देंगे, कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा। नीचे अब क्या करेंगे, कॉस को हटाएंगे यानी कि डी एक्स क्यूब, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे ऊपर डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स। कॉस का फॉर्मूला हम लोग को पता है माइनस साइन होता है, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई, इसको तो देखना ही नहीं है, इसको भूल जाइए, ये जो नीचे है इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस चेन रूल में ये मेथड होता है ना इस तरह वाला, इसलिए, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग को देखना ही नहीं, इसको भूल जाना है। ठीक, हम लोग को यहाँ पे देखना है एक्स क्यूब यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन है एन इधर हो जाएगा, एक्स एन पर पावर माइनस वन यानी कि थ्री पर पावर माइनस वन हो जाएगा, एक्स का पावर थ्री माइनस वन यानी कि टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सजा करके माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, ये हो गया। अब देखिए आज हम लोग फोर नंबर तक कर लिए, अब हम लोग को हम थोड़ा होमवर्क दे देते हैं, और फिर वन से लेकर के हम लोग को ट्वेंटी तक बनाना है, इसमें से जो भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बने वो हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे, और वन से ट्वेंटी तक आप लोग का होमवर्क रहा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या आगे देखना है। उसके बाद फिर एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए फ्रेंड्स, यदि y इक्वल टू
रूट एक्स दिया हुआ हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1/2 रूट, और जो हो उसको लिख देंगे, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, जेड रहता साइन रहता तो यहाँ पे साइन लिख देंगे, ये डायरेक्ट dy/dx हो जाएगा 1/2।